हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली पनीर। और व्लॉग का स्टार्टिंग मैं आज शाम से कर रही हूँ, 7 बज रहा है, डिनर की तैयारी हो रही है। तो ये मैंने प्याज के टुकड़े कट कर लिए हैं चौकोर, और शिमला मिर्च और पनीर कट करके रख लिया है, क्योंकि कई दिनों से आन्या बोल रही थी तो मैंने सोचा आज बना लेते, और इतना एक्स्ट्रा था तो इसको रख देंगे क्योंकि बहुत उसको पनीर पसंद है। और इधर मैंने, क्योंकि रेसिपी मैं नहीं प्रॉपर दिखा रही हूँ, लेट हो रहा था मुझे, रेसिपी मेरे चैनल पे है भी, तो मैंने प्याज और शिमला मिर्च को छौंक दिया था सॉफ्ट होने के लिए थोड़ा सा शिमला मिर्च। और ये जो मसाला है इसको मैं थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि इस मसाले का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे, तो काफ़ी अच्छा लगता है तहरी और कोई भी रसे वाली सब्जी में, ये मैं ज़रूर डालती हूँ हर मसाले के साथ। तो ये मैंने सारे सॉस डाल दिए हैं इसमें, अभी सिर्फ चिली सॉस नहीं डाला। तो चिली सॉस बॉटल वाला नहीं मंगाती, कोई और नहीं खाता है, तो ये पैकेट रखती हूँ, तो यही मैंने डाल दिया था। और इधर मेरा आटा भी लग गया है, तो अब से बस रोटियाँ बननी हैं। और प्रॉपर रेसिपी इसकी मैंने नहीं दिखाई है, और ये देखिए मेरा चिली पनीर बन के रेडी भी हो गया है, और अब मुझे बस सिर्फ रोटियां बनानी है। तो अब मैं कुछ और भी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो वो आप लोग देखिए। हेलो फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि मेरा चिली पनीर बन चुका है और आटा भी मैंने लगा के रख दिया है। और कल मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया था क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस वजह से मेरे पास जो वेडिंग का जो मैंने आज जो शेयर किया है वीडियो, वो मेरे पास काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, उसको मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, तो मेरे पास कोई व्लॉग भी नहीं था डालने के लिए, तो मैंने सोचा चलो वेडिंग का वीडियो डाल देते। और अभी भी तबीयत ठीक नहीं हुई है क्योंकि जुकाम, बुखार, खांसी सब एक साथ, पहले बहुत तेज से जुकाम हुआ, फिर उसी दिन फीवर खूब तेज आ गया, अब थोड़ा सा आराम है लेकिन अब खांसी आ रही है, तो इस वजह से भी कोई ब्लॉग नहीं शूट कर पे क्योंकि फिर हो ही नहीं पा रहा था बिल्कुल। तो अभी शाम से मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लगा, तो मैंने चलो एक अपना ब्लॉग शूट कर लेते हैं। तो आन्या का आज चिली पनीर खाने का मन था, तो आज क्या मतलब वो कई दिनों से बोल रही थी, लेकिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इस वजह से नहीं बना पा रही थी मैं, तो आज मैंने इनसे पनीर मंगाया और आज उसके लिए मैं चिली पनीर बना रही हूँ। तो बस सिर्फ रोटियाँ मुझे सेकनी है, तो मैंने सोचा चलो ये जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसको भी मैंने शादी के लिए ही मंगाया था, शादी में लेके मैं गई, मैंने सोचा था पहले ही मैं इसका वीडियो बना लूंगी, लेकिन नहीं बन पाया वीडियो क्योंकि उधर शादी के चक्कर में ना, काफी शॉपिंग वगैरह करने के चक्कर में फिर बिल्कुल बन ही नहीं पाया वीडियो। तो मैंने सोचा चलो अब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मैंने मीशो से ये मंगाया था क्लच, बहुत प्यारा क्लच आया, बहुत ही खूबसूरत सा ये क्लच मुझे लगा, और मुझे लग रहा था कि पता नहीं ऐसा आए कि ना आए। फिर जो एक मैं वीडियो देखती हूँ, एक चैनल आप लोग भी हो सकता जानते हो उनको, अभिक्षा, तो वो उन्होंने दिखाया था उसमें ये क्लच, तो जब उन्होंने बिल्कुल पास से इसकी क्वालिटी वगैरह दिखाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था और फिर मैंने मीशो पे इसको ऑर्डर किया, तो बड़ा अच्छा मुझे भी ये रिसीव हुआ है, बिल्कुल सेम वैसा जैसा था, बिल्कुल वैसा ही दोनों तरफ इस तरीके से देखिए, इसमें एम्ब्रॉयडरी है, ब्लैक कलर का मंगाया था क्योंकि मैंने रेड और ब्लैक साड़ी पहनी थी, और फिर मैंने ब्लैक इसलिए भी मंगाया कि ब्लैक कहीं पे सब पे चल जाएगा, तो अभी मैं रेड भी मंगाऊंगी, रेड भी बहुत सुंदर था। तो देखिए शादी वाले दिन गए थे, मास्क रखा हुआ है और हैंकी, तो और आराम से मोबाइल भी आपका आ जाएगा आराम से, देखिए इतना अच्छा खासा स्पेस है। मेरे तो दो मोबाइल थे क्योंकि मैं एक मोबाइल से जिससे बात करते वो दूसरा मोबाइल है, और शूट दूसरे मोबाइल से करती हूँ, तो मैं दोनों मोबाइल इसी में रख के ले गई थी, आराम से आ गया था। और ऊपर ये अच्छा सब ये स्टोन का एक लॉक सिस्टम दे रखा है, तो ये इस तरीके से करके लॉक हो जाता है, और इसके अंदर ये चेन भी दे रखी है, तो आप चाहें तो इसको मतलब ऐसे हाथ में पकड़ने का मन हो तो हाथ में पकड़ लें, वरना फिर ऐसे करके टांग भी सकते हैं आराम से। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चेन भी है, और ये देखिए इसके ये सब इसमें इस तरीके से फंसा, चेन अंदर रखी हुई थी, फिर ये जो कुंडे हैं इसमें फंसा लिया था, और ये जो ये पतले से लगे हुए ना, तो इसको अगर बंद कर देंगे तो इससे कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि चेन दिखे या मतलब फंसे, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े अच्छे से इसको कैरी कर सकते, तो बहुत अच्छा मुझे लगा। और ये कितने का था, ये शायद 322 ऐसे ही कुछ था, मुझे अभी सही से याद नहीं आ रहा है, तो ये 322 का था। तो आप लोगों को अगर लेना हो तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको भी पसंद आए, और फिर मीशो पे जाके वहाँ पे सर्च बार में सर्च करके ले सकती हैं, तो मतलब बहुत अच्छी डील रही अभी तक तो मीशो से मेरा जो भी सामान आया काफ़ी अच्छा आया, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो ये क्लच मैं काफ़ी दिनों से लेने के लिए सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये ऑर्डर कर देते हैं, और क्योंकि शादी में भी जाना था तो इस वजह से, और पार्टी वार्टी में जाना हो अच्छे से, आप सूट पे भी कैरी कर सकते हैं, वेस्टर्न ड्रेस पे भी अच्छा लगेगा, और मैं तो अधिकतर साड़ी या सूट दो ही चीज़ पहनती हूँ, लेकिन वेस्टर्न ड्रेस पे भी आप इसको कैरी कर सकते हैं आराम से। और चेन अंदर रख दी तो बिल्कुल बस ऐसे ऐसे बॉक्स हो गया, और चेन निकाल के इस तरीके से इसको टांग सकते हैं,
तो बड़ा अच्छा मुझे ये लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाती हूँ, अगर आप लोगों को लेना हो तो आप लोग भी मीशो से ऑर्डर कर सकती हैं, ले सकती हैं। तो काफ़ी अच्छा सामान मिलता है मीशो पे। अभी मुझे थोड़ा सा किचन का सामान भी लेना है, तो वो मैं बस अब ऑर्डर करने ही वाली हूँ होली से पहले, क्योंकि होली के लिए ही चाहिए थोड़ा सा अपने किचन का मेकओवर के लिए। तो अब बस मैं एक दो दिन में उसको ऑर्डर करने वाली हूँ। एक चीज़ तो उसमें आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, वो मैं कल रात में मैंने सोचा कि ऑर्डर कर दे, तो उसमें आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था। तो वो जैसे ही आएगा, वो एक मतलब वो रैक है प्लास्टिक की, और दो चीज़ हाँ वो लेना था, और एक जो उसमें फंसाते हैं कैबिनेट में इस तरीके से कुछ, क्योंकि मेरा किचन छोटा है, स्पेस कम है, तो मुझे इस टाइप की चीजों की बहुत जरूरत लगती है। तो मैं सोची थी कि उसको ऐसे कैबिनेट में फंसाने के लिए ले ले, और जो कप वगैरह होली पे ऐसे बार बार कैबिनेट से कप निकालो खोल के, तो आराम से उसमें कप रख दे, और कोई भी आए तो जल्दी से आगे ही मतलब रहे, क्योंकि होली पे अधिकतर सब लोग चाय ही पीना पसंद करते, पापड़ वगैरह भूनो उसके साथ। तो इस वजह से वो दो चीज मेरा लेने का मन है, तो वो भी जब लूंगी तो फिर जरूर आपके साथ शेयर करूंगी ब्लॉग में। मैंने सोचा ये दिखा देती, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल ना कि दिल खुश हो गया था देख के। कोई कोई चीज आती है तो मन थोड़ा सा वैसा हो जाता है, अगर जैसा पिक्चर में वैसे, लेकिन ये जैसा पिक्चर में था सेम है। और फिर मैंने उनके वीडियो में भी देख लिया था, तो मैंने तो उनके वीडियो से ही स्क्रीनशॉट लेके इसको सर्च किया था, और सेम वैसा ही मुझे ये रिसीव हुआ। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग आज का, ज्यादा तो रूटीन नहीं मैं दिखा पाऊंगी, बस अभी रोटियां सेकूंगी, उसके बाद बस डिनर की ही तैयारी है, क्योंकि फिर जल्दी इसलिए भी डिनर कर देते ना, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना होता है, हस्बैंड का ऑफिस बहुत जल्दी होता है इस वजह से। तो पनीर बन चुका है, चलिए रोटियां सेकते हैं और अपना डिनर मैं करती हूँ, लेकिन ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे कर दूंगी। मैंने मुझे बस ये आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा इस वजह से। तो मैंने सोचा चलो अपने ब्लॉग का एंड कर देते और आप लोगों को दिखा भी देते, क्योंकि पार्टी का सीजन तो आने ही वाला है, तो अगर आप लोगों को भी लेना हो तो आप लोग भी ले सकते हैं। जिस तरीके से मैंने उनका वीडियो देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने तुरंत मतलब मैंने जैसे ही देखा मुझे इतना ज्यादा एक क्लच, क्योंकि मैं लेने वाली थी क्लच, तो मैं उस पर सर्च कर रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा आए कैसा आए, शॉप से चल के ले लेते, लेकिन शॉप पे बहुत महंगे महंगे इस टाइप के क्लच मिलते हैं। मैंने देखा भी है यहाँ पे भूतनाथ पे, क्लच यहाँ पे बहुत महंगे थे। फिर जब मैंने उनके वीडियो में देखा और उन्होंने बिल्कुल पास से इसकी क्वालिटी और सब चीज दिखाया, तो मुझे लगा कि नहीं अच्छा है और ले लेते हैं। फिर मैंने बिल्कुल बेफिक्र होकर ऑर्डर कर दिया, और सच में जैसा दिखा वैसा ही आया, तो अच्छा लगा। पार्टी में भी सब लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लगा है क्लच तुम्हारा, अच्छा लग रहा है, साड़ी से मैचिंग का भी हो गया था। तो अब सोच रही हूँ कि रेड लूंगी, लेकिन रेड इस डिजाइन का नहीं, रेड थोड़ा सा कुछ चेंज ले लेते हैं, रेड भी मुझे लेना है, क्योंकि मेरे पास रेड कई साड़ियां हैं इस वजह से, सूट साड़ियां दोनों हैं, तो उस पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा रेड ऐसे, मतलब ये इस पे जैसे कि सीक्वेंस और थ्रेड है उस पे, सोच रहे हैं जो बिल्कुल एक पोत वाली मोती का भी उस पे रेड दिखा रहा था, वो भी बहुत अच्छा लगा था। वो भी शायद 3.5-4 ऐसे ही था, 400 का था शायद वो, तो वो मैं सोच रही थी रेड कलर का लेने के लिए। तो अब देखते हैं, उसको भी ऑर्डर कर देंगे, और बस यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके से मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूंगी, और कुकिंग के भी वीडियो, कुकिंग का भी मैं सोचती हूँ कि रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो भी मैं बनाऊँ तो कोशिश करूंगी। इधर तो होली आ रही है तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही है, तो वो भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।